एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मज़ा आया। फर्स्ट मेरी फर्स्ट डेब्यू मूवी है, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी मुझे कोई मूवी मिलेगी, मिली है। करना था, सर से मेरी डायरेक्ट बात हुई थी, सर ने मुझे बोला कि आप मूवी करने में इंटरेस्टेड हैं, एंड आई सेड या आई कैन डू। सब एक फ्रेंड्स ऑफ द फैमिली, फ्रेंड्स ऑफ द फैमिली थे सब मेरे लिए, मुझे कोई इशू नहीं हुआ, कंफर्ट जोन से बाहर भी नहीं गया कि मैं ये पहनूँ ये नहीं पहनूँ, सब मेरे लिए ओके था। एंड मज़ा आया मुझे मूवी में काम करके। आई एम फाइन, हाउ आर यू, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग आए हसीना को चार चांद लगाने के लिए। और आप खुद एक बहुत ही हसीना लग रही हैं। ओह रियली, थैंक यू सो मच। कि कैसा है कि आपका हसीना? हसीना में मेरा जो कैरेक्टर है, कौन गर्ल का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो रणवीर सिंह ने कौन मैन का कैरेक्टर प्ले किया था वो कौन गर्ल का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। और शी इज़ वेरी बोल्ड एंड शी इज़ लाइक यू नो शी इज़ फुल ऑफ लाफ, शी इज़ एंटरटेनिंग। और हसीना में जो कैरेक्टर है मेरा, वो किस तरीके से कौन करती है लड़कों को, जो तीन लड़के हैं और उनको किस तरीके से लेफ्ट एंड राइट लेती है, तो ये मेरा कैरेक्टर है। तीन दीवाने। बाकी तो लोग देख के दीवाने होंगे, वो अलग है। देखो दीवाने बहुत सारे इसके, मगर ये तीन सबसे बड़े दिखाई दे रहे हैं। और आप लोग देखो कि 2.5 घंटे तक कैसे ये तीन इसके पीछे 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 भागते हैं, लेकिन किसको मिलती है ये पिक्चर? सबसे बड़ा सस्पेंस है किसको मिलती है हसीना। मैं सिर्फ शॉर्ट में ही कहूंगा कि ये फिल्म बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है, इतनी एंटरटेनिंग है कि कुछ सीन्स करते हुए हमें इतनी लाफ्टर आ रही थी, तो ऑडियंस बहुत ज्यादा ये फिल्म एंजॉय करेगी। जस्ट गो एंड वॉच हसीना, दैट्स इट।